पेरेंट्स आप कितने प्राउड हो, कितने खुश हो, क्या कहना चाहिए? बहुत ज़्यादा प्राउड हैं और काफ़ी साल से प्राउड हैं. बस इस बार ये कि जन्नत ने प्राउड फील कराया है उसकी सिंगिंग स्किल्स को लेकर के, और माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया है और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे कमेंट्स हैं, और इंशाल्लाह ताला कल तक के ट्रेंडिंग भी हो जाएगा. और या थैंक यू सो मच, और आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए जन्नत को अगेन, जैसे आपने उसको एक्टिंग के लिए प्यार दिया है, उसको उसको सिंगिंग के लिए भी आपका प्यार चाहिए, आपके विशेज़ चाहिए. आप क्या कहना चाहेंगे? सेम थिंग, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कह दी है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कुछ और बेटर कहने के लिए. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही बच्चे हर मोड पे प्राउड फील करा रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र इस चीज़ के लिए. अनदर थिंग इज़ कि आज जो जन्नत का डेब्यू सॉन्ग आया है, बट नेचुरल पेरेंट्स हमें तो अच्छा लगेगा, लेकिन वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग जो हमें कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं दैट आर वेरी मच पॉजिटिव, तो ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लग रहा है. सो रियली प्राउड फॉर ऑल सच थिंग्स, लाइक हर स्केल के ऊपर जन्नत अच्छे से अच्छा करती जा रही है, और अभी भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और हम चाहते हैं और नई नई चीज़ें आप सबके लिए लेके आएँ, सारी फील्ड्स में जन्नत अच्छे से अच्छा स्कोप करती जाए, और सभी पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, सो वी डू ऑल द सेम थिंग. जैसे कि हमने जन्नत को भी पूछा कि आपके पेरेंट्स इतना सपोर्टिव करते, तो जन्नत भी रिएक्ट बोलती कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव करते, पूरा जो भी है वो लेके आके रखते बस मेरे साथ. हाँ हाँ, तो बिल्कुल सही कहा है, मेरे म्यूजिक भी अपने एवरीथिंग सब. हाँ, गाने मैंने जब ही डिसाइड किया जन्नत को कि एज अ सिंगर अभी उसको लॉन्च करना है, तो मैंने बहुत सारे गाने सुने, मतलब बहुत सारे, और कई दिन तक के गाने सुने मैंने. और जब ये वाला गाना सुना मुझे, तो मुझे एक्चुअली मतलब पहली बार में ही अच्छा लगा. और इस गाने को पसंद करने का मकसद ये भी था कि बहुत ही इजी लिरिक्स हैं, बहुत ही इजी वर्डिंग्स हैं उसकी, और ये गाना कोई भी सुनेगा तो उसको फट से गा सकता है, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं है, और क्योंकि और थोड़ा सा रिलेट कर रहा है आजकल के टाइम में. आप बच्चों को देखें तो कहीं ना कहीं उनका जो टाइम चल रहा है उसमें या पीछे जा चुका है, तो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं. कोई भी उसको अगर अपने लाइफ से किसी भी गाने को या किसी भी इंसिडेंट को रिलेट करने लगे, तो वहाँ के ऊपर वो थोड़ा लगता है मुझे थोड़ा ज़्यादा हिट हो जाता है या चलने लगता है, क्योंकि थोड़ा ट्रेंडिंग वही होता है क्योंकि ऑलरेडी हो रहा होता है या किसी पर बीत गई होती है, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा सोचा ये करने के लिए, और मुझे अच्छा लगा ये. बैक टू बैक वीडियो सॉन्ग्स आ रहे हैं जन्नत के, और जैसे कि और आने वाले हैं, वेट के साथ भी एक वीडियो था बहुत हिट हो, मतलब सब पॉपुलर, और फैजू ने भी अब रिएक्शन दिया कि आपके गाने के भी मतलब बहुत अच्छे रेस्पॉन्स देते हैं पेरेंट्स ऐसे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब बहुत आपको रेस्पॉन्स आ रहा है अच्छा. क्या बोलूँ उसके अंदर, बस सेम थिंग के जन्नत ने अभी तक जितने भी सॉन्ग्स किए हैं सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे रिजल्ट पे गए हैं, और उनकी लाइकिंग बहुत अच्छी है, एंड मिलियंस क्रॉस हो रहा है, तो दैट इज़ वेरी नाइस थिंग्स. और फैजू के साथ का भी सॉन्ग बहुत अच्छा गया है, एंड उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, और बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो उनको रिटर्न बैक अच्छा फीडबैक मिलना ही चाहिए, और जो मिल भी रहा है, एंड आई थिंक सब उनकी मेहनत है, और हम सब तो सिर्फ हाथ लाइक सर पे रखते हैं एज एन पेरेंट्स बच्चों के, सिर्फ उनके लिए दुआ करते हैं, एंड दैट वॉट वी डू. और मेहनत तो भाई मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड करते हैं बच्चों को लेके, क्योंकि बैकबोन हमारी फैमिली की बैकबोन ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और इनके पास दूसरा काम ही नहीं, पूरा दिन सिर्फ बच्चों के लिए लगे रहते हैं, ये करना, ये नया, वो नया, नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आते रहते हैं. और हमारे घर का माहौल ही बिज़नेस माइंडेड है, क्योंकि सारा टाइम से जन्नत और ये सिर्फ बिज़नेस की बातें होती रहती हैं, अब ये नया करना, अब ये हो गया, अब ये नया करना है. सो अभी कुछ और नया भी आने वाला है, वेट, यू विल गेट समथिंग वेरी नाइस न्यूज़ अगेन. पेरेंट्स की तरफ से क्या स्पेशल गिफ्ट है जन्नत, ऐसा कोई प्लान किया आपने कोई, क्योंकि एक रहता है नहीं, पेरेंट्स की तरफ से ऐसा कुछ सरप्राइज तो नहीं है, बिकॉज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ है, किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है कि भी उसको कुछ सरप्राइज़ दें या कुछ करें, बट ये पेरेंट्स की तरफ से यही एक गिफ्ट है आज की डेट में कि 29 अगस्त को जन्नत का 18 बर्थडे है, एंड उस दिन उसको एक ऐसा लॉन्च मिला है जो कि एक नया प्लेटफॉर्म है, और डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आज मतलब वो एक नए प्रोफेशन में एंटर किया है, और उसके लिए अगर वो
अपनी बर्थडे के दिन अगर उसको ये लॉन्च मिल रहा है तो यही एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। एंड डेफिनेटली आई रियली बर्थडे के लिए इतना एक्साइटेड नहीं थी जितना ज़्यादा अपने लॉन्च के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि हम बर्थडे तो माशाल्लाह उसके 17th बर्थडे हम लोग बहुत अच्छे और बहुत अच्छी तरीके से मना चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से हो चुके हैं बर्थडे। बट ये बर्थडे क्योंकि स्पेशल इसलिए था कि आज हमारा जन्नत का फर्स्ट गाना लॉन्च हो रहा था, तो ये बहुत ही स्पेशल बर्थडे था जन्नत के लिए और हमारे लिए भी, और यही हमारा गिफ्ट है उसको। आपने टिकटॉक में भी आपको बहुत सपोर्ट किया, मतलब जन्नत को, और एल्बम्स में भी सपोर्ट किया, तो डेब्यू भी अभी सॉन्ग भी, तो सिल्वर स्क्रीन पे कभी मूवीज में कभी क्या आप लॉन्च करना? देखिए ये तो मुझे नहीं मालूम है, बाकी आगे सब अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन हम लोग की कोशिशें बराबर चल रही हैं। जैसे ही हमको कोई अच्छी स्क्रिप्ट, क्योंकि हम स्क्रिप्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अगर कोई बहुत अच्छी स्क्रिप्ट जब तक हमको नहीं मिलेगी, भले वो एक साल लग जाए या दो साल लग जाए, जब तक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी जिसमें थोड़ा सा गर्ल ओरिएंटेड, यानी कि आई मीन हीरोइन ओरिएंटेड जब तक फिल्म नहीं मिलेगी तब तक के वो नहीं होगी, और जैसी मिलेगी वो वैसी हो जाएगी और आप सबको पता चलेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। या थैंक यू सर।